हाय गाइस, मैं हूँ नीतू सोनकर। आपका अपना यूट्यूब चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में बेसन के चिल्ले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन के चिल्ले। चिल्ले बनाने के लिए जो मैंने सामान लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 400 ग्राम के करीब बेसन है और एक आलू ग्रेट किया हुआ है और एक बड़ा प्याज लिया है मैंने जिसको बारीक कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च है। नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और बस हम चिल्ले दो तरीके से बनाएंगे, आलू के चिल्ले और प्याज के चिल्ले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लें और हरी मिर्च दो चम्मच, तेल है ये, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसका घोल बना रही हूँ। बेसन के चिल्ले बड़ों को तो पसंद आएंगे ही, बच्चों को भी बेहद पसंद आएंगे। इस तरह से घोलना है। चिल्लों को आप बच्चों को आप टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं। आप चिल्लों को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में बनाकर दे सकते हैं। इसको अच्छे से फेंटना है ताकि इसकी सारी गुलटियाँ ख़त्म हो जाएं। चिल्ले खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है ताकि सारी गुलटियाँ इसकी ख़त्म हो जाएं। बोल हमारा रेडी हो गया। इसको मैंने 5 मिनट तक अच्छे से फेंटा था। अब मैं इसको आधा आधा बांट लूँगी। घोल ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, इस हिसाब से रखना है आपको। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ। अब इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। आप इसमें लाल मिर्च डालना चाहें लाल मिर्च डाल सकते हैं। आजकल बच्चे हरी सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आप चिल्लों में पालक, गाजर या अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं जिससे उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। ये देखिए तैयार हो गया इसका। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर लेती हूँ। अभी हमारे दो तरीके के चिल्ले बन जाएंगे। आप पालक का बनाना चाहें तो आप पालक का ही बना सकते हैं। अब घोल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। गाइस, चिल्ले बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिए गैस पर, और आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं इसके लिए। इस तरह से धीमी धीमी आंच पे इसको बनाना है। अच्छे से इसको सेकना है। आप डीप फ्राई भी बना सकते हैं। मैं कम तेल में बना रही हूँ। चिल्ला हमारा एक तरफ से सिक गया है।
अब मैं इसको अच्छे से पलट दूंगी। इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। ये प्याज वाला चिल्ला है। ये नाश्ता बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। गाइस हमारा चिल्ला दोनों तरफ से सिक गया है अच्छे से। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। थोड़ा ऊपर से तेल लगाऊंगी मैं। अब मैं इसको पलट रही हूँ। हमारा ये एक तरफ से हो गया एक साइड से। इसको आराम से देखो कितना प्यारा कलर आया है। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब मैं आलू का छिलका डाल रही हूँ इसमें। इसको आप चम्मच से इस तरह से फैला लेंगे। आप साइज कोई सा भी रख सकते हैं चिल्ला बनाने के लिए। भाई ये हमारा आलू का चिल्ला बन गया है और मैं इस तरह से सारे चिल्ले बना के रख लूँगी। फिर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। गाइस मैंने सारे चिल्ले बना लिए हैं। आप इसको टमाटो सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, मीठे दही के साथ इंजॉय कर सकते हो। अब मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। गाइस बहुत टेस्टी बना है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।